मुंबई के बोरीवली में बिगेस्ट नवरात्रि फेस्टिवल गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक गरबा के लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे और आयोजक संतोष सिंह के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस बार 2024 का गरबा महोत्सव सबसे अलग होगा। सिक्योरिटी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। संतोष सिंह और शिवा शेट्टी ने केंद्रीय मंत्री व उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल का आभार माना, क्योंकि उनके आने के बाद इस बार का गरबा और भी ज्यादा भव्य और शानदार हो गया है। मुंबई में विशेष करके यहाँ पर भी नवरात्र उत्सव का आयोजन होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, हमारे विधायक मुगल शोक और सांसद के नाते मैं हमेशा करता रहा हूँ। और ये प्रमोद महाजन जी के नाम पे जो ग्राउंड बना हुआ है, इसमें संतोष सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सालों से फाल्गुनी पाठक जी को लेकर बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इस ग्राउंड को बनाने में बहुत प्रयास मैंने किया, मैं नगर सेवक था तब से प्रयास करता था। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मुझे सरकारी पक्ष का कभी बहुत लाभ मिला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी तो मैं संघर्ष कर करके सारा करता रहा। 2014 में जब देवेंद्र जी की सरकार आई तो फिर उन्होंने मुझे फंड पास करके दिया, तो उसका कंपाउंड वॉल का हमने चालू किया काम। वो 5 साल उसमें लग गए, लैंड रेंट पर ये वो सब होते होते। और फिर 2019 में फिर एक बार सरकार बदल गई, उद्धव जी की, शरद पवार जी और कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने इस पर राजीव गांधी जी का नाम देने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर नवरात्र न हो उसके लिए प्रयास किया गया। मैं किसी का टीका नहीं करता हूँ, हम हमारे विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, वो लोग उनके विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उसमें बीच का 2-2.5 साल फिर वापस बिगड़ गया। कोविड का 3 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, उसमें 3 साल वो चले गए। और फिर एक बार अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आने के बाद फिर फंड अनाउंस हुआ, और इसके मतलब के उसका काम जो भी ट्रैक और ऐसा हुआ लगभग हम वाले के आसपास इसको उसके लिए उनको करवा के देंगे। इस साल का नवरात्र उत्सव फिर एक बार यहाँ पर होने वाला है, और एक लंबा दृष्टिकोण रखते हुए जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने इस पर रोक लाने का प्रयास किया, तो उन दिनों में मैंने एक चिट्ठी लिखा था सुनील केदार जी जो हमारे मंत्री थे उन दिनों में, कि इसमें 5 एकड़ जमीन आप इस प्रकार से अलग रखो ताकि ये कल्चरल नवरात्र उत्सव हो, भागवत सप्ताह हो, रामायण हो, ये सारा होते रहे। क्योंकि देश विकास की ओर जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम संस्कृति हमारे कल्चर के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेगी, तो वो हमारा एक सपना था, वो आज भी मैं उसके पीछे डटा हूँ। कोई भी करे, संतोष को मैंने कहा कि अगले साल आप नेस्को में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ करेगा तो यहाँ उसको मैं सपोर्ट करूँगा। यहाँ और भी कोई अगर इसको टेक ओवर करके करने का प्रयास करते रहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी एक सोच है कि मेरी सरकार है तो मेरे सरकार के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। सरकार तो लोकशाही में आना जाना ये सारा चलता रहता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो धार्मिक उत्सव है वो सभी लोगों ने कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, कांग्रेस का सरकार गया तो फिर ये बंद हो गया, ये नहीं चलेगा। जो जहाँ पर जो कार्यक्रम होते आए हैं लंबे समय से, वो लंबे समय तक होता रहे। अटल जी की भाषा को अगर सरकारें आती है जाती है, लेकिन परंपराएं कायम रहनी चाहिए। परंपरा जो हमारी है वो कायम रहना चाहिए। इसके लिए इस साल भी होगा, अगले साल माता जी की इच्छा होगी तो यहाँ पर होगी। माता जी जो भी आदेश देगी वो हम करते रहेंगे। जहाँ तक संतोष के नवरात्र उत्सव का है कार्यक्रम की बात में, मैं एक नेता के नाते उनको पूरा सपोर्ट करते रहता हूँ। सपोर्ट यानी मैन्युअली, मैं कोई संतोष को पैसा पैसा डोनेशन भी जमा करके देने का काम करता हूँ, मेरा काम नहीं होगा और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। संतोष अकेले अपने जान पर, अब एडवर्टाइज सब होता है, लोग बोलते हैं गोपाल शेट्टी का, बहुत बिल्डर का, बाकी तो सारे लोगों को छोड़ दो, भूषण पाटिल के साथ में मेरा नाम जोड़ देता है कि गोपाल शेट्टी भूषण पाटिल के साथ में डेवलपमेंट का, बिल्डिंग का काम करते हैं। मैं आज यहाँ बाइक के आपके बताऊँ भूषण पाटिल को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितना भी मेरा आपके फर्म में पार्टनरशिप का पैसा आएगा वो सारा यहाँ पर नवरात्र उत्सव रिपा कर दे दो, सारा पैसा भूषण पाटिल से निवेदन करूँगा कि यहाँ आप कर दे दो। मैं अभी धंधा करूँगा, व्यवसाय करूँगा, मैंने कहा है मैं धंधा भी करूँगा आने वाले दिनों में, व्यवसाय भी करूँगा, राजनीति में रहूँगा तो भी धंधा करूँगा, व्यवसाय करूँगा, लेकिन व्यवसाय में से कमाया हुआ पैसे का एक भाग भी मैं पब्लिक के लिए बांटूंगा। क्यों? कोई बच्चा इंजीनियर बन के बड़ा डिग्री लेकर पैसा कमाता तो उसमें उसका हक होता है, उसके माँ बाप का अधिकार होता है, लेकिन मुझे जो डिग्री पब्लिक ने दी है उसमें पब्लिक का हक है। मुझे एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को इतने ऊंचाई तक लोगों ने पहुँचाया है, और जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ है, जो मैंने सीखा है,
और सिस्टम से अगर मैं आने वाले दिनों में रुपया पैसा भी कमाता हूँ तो उसमें से एक भाग मैं चैरिटी करके पब्लिक के लिए भी लगाने वाला हूँ। इस बात की भी मैं घोषणा आज यहाँ पर अम्मा माता को स्मरण करते हुए करना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार गणपति बापा का त्यौहार हमारे देश में बहुत जोरों से शुरू है, मुंबई महाराष्ट्र में सभी गणपति बापा को मानने वाले भक्तों का मैं शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले दिनों में माता जी की हम पूजा यहाँ पर करेंगे, माता जी के सारे भक्तों को कुल मिलकर सनातन धर्म को मानने वाले सारे लोगों को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि हम विकास की ओर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। विकास करते समय हमारा कल्चरल विकास भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे। नहीं, आप अगर मुझसे मेरे मन की अगर बात पूछे तो यहाँ पर नवरात्र होता था तो ग्राउंड खाली पड़ा था तो यहाँ पर हमने किया। जो डेवलप हुआ हुआ गार्डन प्लेग्राउंड है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन गए दो साल से प्रकाश सुरवे कर रहे हैं, प्रवीण दरेकर जी कर रहे हैं और इस साल जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अभी गणपति का भी सुनिए, मैंने दो तीन दिन पीडियो में देख रहा हूँ, एक गाँव एक गणपति का जो कंसेप्ट आया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वीकारना चाहिए। एक गाँव सब लोग साथ में आएंगे, मिलजुल कर करेंगे, ये गोपाल शेट्टी का, ये सुनील राणे जी का, ये प्रवीण दरेकर का, ये प्रकाश सुरवे का, ये नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म का है। ऐसा एक वातावरण को भी आने वाले दिनों में निर्माण करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे मान लगता है। लेकिन जो भी करते हैं कायदा कानून का लाभ लेकर यहाँ पर भी करते हैं तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी स्वयं की इच्छा है कि जो गार्डन प्लेग्राउंड हम डेवलप करते हैं वो पब्लिक को मैक्सिमम यूज करने के लिए मिले, ये उसके पीछे का मेरा मंशा है। आज यहाँ पर संतोष सिंह जो आयोजक है फाल्गुनी पाठक के नवरात्रि उत्सव का, कि महाराष्ट्र बल्कि देश में बहुत ही नवाजा ऐसा उत्सव है, पिछले लगातार 8 वर्षों से करने वाले संतोष सिंह को मैं शुभेच्छा देता हूँ, उनकी पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ। और हमारे पूर्व सांसद सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी की कल्पकता से बहुत सारे साल पहले ये उत्सवों की जो बातें यहाँ पर हुई और उत्सव यहाँ पर शुरू हुए। हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव, जैसे हम कहते हैं कि गणपति उत्सव होता है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है, वैसे ही नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। और ये भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला उत्सव है। और बोरीवली में जिस प्रकार से ये उत्सव होता है उसके लिए मैं धन्यवाद संतोष सिंह को देता ही हूँ। लेकिन जिन्होंने इसकी शुरुआत की, अगर ये ग्राउंड ही नहीं बचते, अगर ये ओपन स्पेसेस ही नहीं रहती तो कहाँ पर ये उत्सव मनाने की हमें सबको जगहें मिलती। तो ये जगहें जो थी वो रिजर्व करने का काम, जो रिजर्व जगह थी उसको संरक्षित करने का काम हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया था, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बुरेली में दांडिया और नवरात्रि उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाएगा, इसलिए मैं शुभेच्छा। हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। सभी के साथ सरकार से हमारे पूर्व सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब का और यहाँ के श्री सुनील राणे का आचार पूजन किया गया है। और लेकिन हर साल की तरह इस साल भी लोगों को सुविधा में कोई कमी नहीं रहे और लोग आनंद अच्छे से उठा रहे हैं। इस बार गरबे में क्या थीम रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप कर रहे हैं? सामने देखिए सर, सर सेंटर बात हर साल खास ही रहते हैं। अभी से बोलने मतलब क्या है, सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए? हमारे यहाँ पे आज से नहीं, पहले से बॉम्बे की टॉप कंपनी की पुलिस कंपनी से उठने का खोली है। एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो 15-20 लोग की टीम आती है, जो बड़े बड़े शोध ऑल ओवर इंडिया करते हैं। हम खास उनको देखते हैं कि भाई ग्राउंड पे कुछ भी बोलते हैं ना, अनोनी हो आप ग्राउंड पे सेफ्टी में, जो डॉक्टर की सुविधा इमीडिएटली एक्सिट होता है ना, बाहर एग्जिट जाना पड़ा, ये सब सुविधा वो देखते हो। 15 लोग की टीम रहती है, वो खाली यही देखते हैं कि कोई अनवांटेड चीज ग्राउंड में नहीं हो। सर इस बार ग्राउंड बड़ा किया गया है सर? हाँ, ग्राउंड थोड़ा बड़ा करेंगे सर, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने ग्राउंड जो बंद कर दिया था, बिकॉज एक हमारा सर्टन लिमिटेशन, हम उतने ग्राउंड लेते हैं। क्राउड भर के खाली पैसा कमाना मतलब नहीं है, क्राउड हम लोग एक लिमिटिंग पब्लिक, हम लिमिटेशन देते कि पब्लिक जो आए खेलने के लिए आनंद ले पाए। जैसे अपने पूर्व सांसद गोपाल जी ने इतने सालों हमको सपोर्ट किया है कि कार्यक्रम का बड़ा करने में, उसी तरह पीयूष गोयल का हमें समर्थन है। उन्होंने बोला कि आपको जो भी सुविधा चाहिए ग्राउंड में, जो भी साथ सरकार चाहिए, उनका हमारे लिए पॉजिटिव है। तो टाइम लिमिट के लिए भी आप डिमांड करने वाले पीयूष जी से? टाइम लिमिट सब त्यौहार के लिए होता है, हमारे त्यौहार के लिए उतना ही टाइम लिमिट है। हमको 3 दिन लास्ट में भी दिया गया था, इस टाइम भी दिया जाएगा, अपने एकनाथ शिंदे जी और फंडेज सब के अंडर दिया जाएगा। जैसे संतोष भाई ने बताया कि
ग्राउंड का कैपेसिटी जो भी पहले जब भी हम लोग ग्राउंड पब्लिक का सिक्योरिटी और पब्लिक को जो एंजॉय करने का सेफ्टी वो हम लोग पहला देखते हैं, क्योंकि और संतोष भाई का एक खासियत है जो सीसीटीवी से लेकर पुलिस फायर ब्रिगेड से लेकर हर चीज़ का मतलब हमारा यहाँ पे खाली नाम या पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, हमारे इसमें लोगों को एंजॉयमेंट और हम लोग इस सक्सेस क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसके लिए इस साल भी हम लोग को पता हमारा सक्सेस है। टाइम को लेकर टाइम लिमिट को लेकर बड़े लंबे समय से एक डिमांड रहता है जो गरबा रसिक उनका भी और आयोजकों का भी डिमांड रहता है कि टाइम बढ़ाया जाए, तो क्या इस बार आप लोग टाइम बढ़ाने को लेकर मांग करने वाले का 100% इस बार तो गोपाल शेट्टी जी ने तो पूरा हमारे माजी खासदार ने पूरा कोशिश किया था, इस बार हमारे साथ पीयूष गोयल जी जुड़े तो वो नक्की इसके पे ध्यान देके इसको बढ़ा सकते हैं। सर सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या होती है, पार्किंग को लेकर किस तरह का रखा गया? मुझे तो लगता नहीं है अभी आपको किसने बताया पार्किंग की समस्या, हमारे यहाँ पे पार्किंग भी समस्या क्योंकि ग्राउंड के अंदर ही ये जो पार्किंग है वगैरह सब हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। संतोष जी जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं टिकट उनके किस तरह से लगाम लगाया गया, अगले साल कुछ समस्याएं खड़ी हुई थी? जो हमारा पास टोटल क्यू आर कोड स्कैन होता है कोई एंट्री मिलता नहीं,